अध्याय 14 एक नैतिक दुविधा और इसका समाधान। एक्सपी सर और उसके छात्र अब एक विशिष्ट सरकारी विभाग में पहुंचे थे, जहां एक कार्यशाला आयोजित की जा रही थी। इस कार्यशाला का विषय था पेशेवर जीवन में एक सार्वजनिक सेवक को उत्पन्न होने वाली नैतिक दुविधा और उसका समाधान। एक्सपी सर और उसके छात्र कार्यशाला हॉल में पहुंचे, जहां पहले से ही कई अनुभवी सरकारी अधिकारी और प्रशिक्षु उपस्थित थे। एक्सपी सर ने छात्रों को एक ओर बैठने का संकेत दिया और कार्यशाला की शुरुआत की। आज हम चर्चा करेंगे कि एक सार्वजनिक सेवक को पेशेवर जीवन में किस प्रकार की नैतिक दुविधाओं का सामना करना पड़ता है और इनका समाधान कैसे किया जा सकता है। गणेश ने एक सामान्य नैतिक दुविधा पर ध्यान केंद्रित किया। मान लीजिए कि एक अधिकारी को एक परियोजना के लिए बजट आवंटन के प्रस्ताव को मंजूरी देना है, लेकिन उसे पता चलता है कि प्रस्तावित बजट में कुछ अनियमितताएं हैं और एक विशेष ठेकेदार को लाभ पहुंचाने के संकेत भी हैं। इस स्थिति में अधिकारी को क्या करना चाहिए? गायत्री ने समाधान की दिशा में सलाह दी। इस दुविधा का समाधान करते समय अधिकारी को सबसे पहले पारदर्शिता और ईमानदारी को प्राथमिकता देना चाहिए। उसे प्रस्तावित बजट की पूरी जांच करनी चाहिए और किसी भी अनियमितता या पक्षपात को दूर करना चाहिए। इसके साथ ही अधिकारी को एक स्वतंत्र समिति या जांच दल की मदद लेनी चाहिए, जो इस मुद्दे की निष्पक्ष जांच कर सके। यह सुनिश्चित करेगा कि परियोजना का बजट उचित और पारदर्शी हो। वैष्णवी ने एक केस स्टडी प्रस्तुत की। एक बार एक सरकारी अधिकारी को एक महत्वपूर्ण सरकारी अनुबंध की स्वीकृति देनी थी। अधिकारी को पता चला कि अनुबंध की प्रक्रिया में कुछ अधिकारियों ने रिश्वत ली है। इस स्थिति में अधिकारी ने नैतिक दायित्व निभाते हुए अनुबंध की प्रक्रिया को रद्द कर दिया और पूरी स्थिति की रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेज दी। इस प्रकार उन्होंने पारदर्शिता और ईमानदारी का पालन किया। राधिका ने एक और नैतिक दुविधा पर चर्चा की। मान लीजिए एक सरकारी अधिकारी को अपने विभाग के भीतर एक ऐसी परियोजना की रिपोर्ट को मंजूरी देनी है, जिसे उसके करीबी मित्र ने तैयार किया है। अगर अधिकारी को लगता है कि रिपोर्ट में कुछ कमियां हैं, तो उसे क्या करना चाहिए? रोहिणी ने समाधान पर विचार किया। अधिकारी को अपनी व्यक्तिगत मित्रता को एक ओर रखकर पूरी रिपोर्ट की निष्पक्ष जांच करनी चाहिए। उसे किसी भी कमियों को दूर करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि रिपोर्ट पूरी तरह सही और प्रमाणिक हो। अगर जरूरत हो तो उसे रिपोर्ट में सुधार के लिए स्वतंत्र विशेषज्ञों की राय भी लेनी चाहिए। इस प्रकार अधिकारी अपनी नैतिक जिम्मेदारी को निभा सकेगा। पूर्वा ने एक सामाजिक दृष्टिकोण से बात की। अगर एक अधिकारी को किसी योजना के कार्यान्वयन में अपनी जाति या धर्म के आधार पर भेदभाव करने के लिए कहा जाए, तो उसे कैसे जवाब देना चाहिए? श्वेता ने समाधान की दिशा में सलाह दी। अधिकारी को अपनी नैतिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए किसी भी प्रकार के भेदभाव या पक्षपात को अस्वीकार करना चाहिए। उसे योजना के कार्यान्वयन में सभी नागरिकों को समान अवसर देने की दिशा में काम करना चाहिए। इसके लिए अधिकारी को सभी निर्णयों और क्रियाओं की पारदर्शिता बनाए रखनी चाहिए और किसी भी भेदभाव के खिलाफ खुलकर विरोध करना चाहिए। सुप्रिया ने एक अन्य महत्वपूर्ण बिंदु पर ध्यान दिया। मान लीजिए कि एक सिविल सेवक को एक ऐसा निर्णय लेना है जो उसके व्यक्तिगत लाभ को प्रभावित कर सकता है। इस स्थिति में सिविल सेवक को क्या करना चाहिए? काविता ने निष्कर्ष निकाला। इस दुविधा का समाधान करते समय सिविल सेवक को अपने व्यक्तिगत लाभ को एक ओर रखकर केवल सार्वजनिक हित को प्राथमिकता देना चाहिए। उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसका निर्णय पारदर्शी और निष्पक्ष हो और किसी भी प्रकार के व्यक्तिगत लाभ या पूर्वाग्रह से मुक्त हो। एक्सपी सर ने छात्रों के विचारों की सराहना की और कहा
आप सभी ने यह स्पष्ट किया है कि पेशेवर जीवन में नैतिक दुविधाओं का सामना करना एक सामान्य स्थिति है और इन दुविधाओं का समाधान करने के लिए पारदर्शिता, ईमानदारी और निष्पक्षता को प्राथमिकता देना चाहिए। कार्यशाला के बाद एक्सपी सर और छात्रों ने सरकारी विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ बातचीत की और समझा कि नैतिक दुविधाओं का समाधान कैसे किया जा सकता है। यह अनुभव उन्हें यह सीखने में मदद करता है कि सार्वजनिक सेवक अपनी नैतिक जिम्मेदारियों को निभाकर बेहतर सेवा प्रदान कर सकते हैं। जैसे ही वे विभाग से बाहर निकलने के लिए तैयार हुए, छात्रों ने महसूस किया कि उनकी यात्रा ने उन्हें नैतिक दुविधाओं और उनके समाधान को समझने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान किया है। यह अनुभव उन्हें अपने पेशेवर जीवन में नैतिकता को अपनाने और लागू करने के लिए प्रेरित करता है।